खबर लालगंज से है, जहां लालगंज बसंता जहानाबाद गंडक घाट पर नहाने के दौरान एक युवक नदी में डूबा। स्थानीय नाविकों की मदद से की जा रही खोज, घटना के 2 घंटे बाद भी नहीं पहुंची SDRF की टीम। मौके पर बसंता जहानाबाद के मुखिया गणेश राय, लालगंज थाना से पुलिस पदाधिकारी रामाशीष सिंह सहित सैकड़ों स्थानीय लोग मौजूद हैं। डूबने वाला युवक की पहचान समस्तीपुर जिले के निवासी पवन कुमार बताया गया है, जो लालगंज में शेप माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम कर रहा था। वह लालगंज के नूनू बाबू चौक पर किराए के मकान में रहता था। एक आप और एक लड़का और नहा रहा था, एक लड़का डूब गया है, कैसे डूबा है कुछ है जानकारी? वो वहाँ तैर रहा था सबके साथ, हम सबके साथ ही तैर रहा था, हम वो कोना में ही बैठे हुए थे पानी में नहाए। उसके बाद भैया को बोले कि यहीं से नहा के घर चले जाएंगे, तो वो बोला कि हमको तैरना आता है, तो इधर ही बच्चे सबके साथ आधा घंटा से ऊपर नहाए अच्छा से, फिर उधर धीरे धीरे करके इधर आया, इधर एक बार हाथ निकाला और उसके बाद घुसा जो और नहीं निकला, यानी ज्यादा गहरा पानी में जाने का, गहरा पानी में। क्या नाम था उनका और कहाँ के थे? पवन कुमार, समस्तीपुर। यहाँ लालगंज में क्या करते थे? वो सेब माइक्रो फाइनेंस के काम करते हैं। यहाँ कहीं डेरा वगैरह लिए हुए थे क्या? डेरा वो नहरवा के पास ही लिए। कहाँ? नहर के पास, नूनू बाबू चौक। हाँ ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? मेरा राकेश। दोनों आदमी साथ ही आए थे नहाने? पवन नाम करके एक लड़का था जो सेफ माइक्रो फाइनेंस में काम लालगंज में करते थे। वो अपने किराया जिस मकान में रहते थे उस किरायेदार मकान मालिक के बच्चे के साथ वो नहाने आए हैं, और नहाने के क्रम में नदी में वो तैरने और के क्रम में उनके डूबते हुए सभी लोगों ने देखा है। वो लड़का डूबे हैं और समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं, यहाँ से माइक्रो फाइनेंस में काम करते थे। यहाँ जो स्थानीय नाविकों के द्वारा खोजवाया जा रहा है, ये प्रशासन की तरफ से या आप अपने? नहीं, हम अपने तरफ से, जैसे हमको सूचना मिली हम खुद यहाँ पहुँचे हैं और पहुँच करके स्थानीय नाविक को लगाए हैं। स्थानीय नाविक के तरफ से खोजा जा रहा है, SDRF को सूचना दे दी गई है, SDRF की टीम हाजीपुर से आती है, चूंकि मुख्यालय से आने में थोड़ा सा लगता है, उसके लिए भी वाहन वगैरह की व्यवस्था कर भेजा गया है। तुरंत वो लोग भी पहुंच ही रहे हैं और उनके आते ही SDRF ऑपरेशन चालू हो जाएगी। क्या घड़ियाल भी निकलने की सूचना आती है हमेशा? क्या ऐसा तो नहीं कि घड़ियाल के कारण ही लोग डूब रहे हैं? पहले भी यहाँ पर कई बार, खुद मैं चश्मदीद हूँ और आपके चैनल पर भी चला था और आप भी देखे थे, आप भी देखे थे यहाँ घड़ियाल है। और जो भी स्नान करने आने वाले लोग हैं उनसे मेरा अपील है, उनसे आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि आप नदी स्नान करने आए तो कृपया ज्यादा देरों तक नदी में न रहे, तुरंत न स्नान करके ज्यादा पानी में नहीं जाए, तुरंत स्नान करके निकल जाए, चूंकि यहाँ घड़ियाल बार बार देखा जा रहा है। घड़ियाल से भी हम लोग को यह खतरा एहसास होता है और इस तरह की संभावना है कि घड़ियाल के भी खींचने से लोग डूब रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है। क्या नाम हुआ सर? गणेश राय, प्रखंड मुखिया सगर।